हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि। बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी समस्त त्रिदंडी पादगण सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोगों का परम सौभाग्य है, हर साल तो हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये जो साल है ये विशेष साल है। लगता है जीवन में ये एक बार आया है और आएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो साल है इसमें हमारे दो दो महाराजों का ये शतवार्षिक उत्सव है। नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज और नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इनकी ये शतवार्षिक की पूर्ति है ये साल। लगता है इसलिए इसी साल की विशेष विशेष महत्व है। और ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, कहते श्री नारद जी कृष्ण से उन्होंने दो वर मांगे थे। उनका पहला वरदान वर था, हे प्रभु जैसे तुम्हारी कथा सुन करके किसको अरुचि नहीं हो, जितने कथा सुने उनको लगे और सुननी चाहिए और सुननी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना त अघाई रस विशेष जनत तीन नाई कृष्ण कथा जय सोना त अघाई। अगर कोई कृष्ण कथा सुन करके बोले हमें बोर हो गए, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते उसको पता नहीं ये कृष्ण कथा में क्या रस है, रस क्या चीज उसको पता नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव निवित वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रडो कडमिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जान जनित किम अद्भुत कृष्णति वर्ण द्वय। रूप गोस्वामी कहते हैं जितने कथा सुना ऐसे लगता है जितने सुना और सुननी चाहिए। उनने दूसरा वरदान मांगे थे, प्रभु आप जो ये ब्रज मंडल में जो मधुर मधुर लीला किए हैं, गुरुदेव कहते थे हम जिन जिन स्थान पर गए वो साधारण स्थान पर हम नहीं गए। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंदम, जहाँ पर ब्रह्मा जी ये पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, जहाँ पर शंकर जी गोपी बन करके प्रवेश करना चाहते उनको भी निकाल दिया, जहाँ पर अभी लक्ष्मी भी बैठ करके कठोर तपस्या कर रहे हैं जहाँ प्रवेश करने के लिए, जहाँ पर श्री उद्धव जी तृण गुल्म औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यह स्थान को हम लोग ने दर्शन किया। इसलिए ये साधारण बात नहीं। हम लोग अभी गए थे ना कहाँ पर काम्य वन में, जहाँ पर सारे तीर्थ जहाँ पर विद्यमान, जब ब्रजवासियों की इच्छा हुई हम सारे नंद बाबा ने इन्होंने मनौती रखा था
घर में बेटा हो जाएगा तो सारे तीर्थ जाएंगे। लेकिन जब हुए, जब ब्रजवासी तैयारी हुए, कृष्ण बोले सारे तीर्थ तो यहीं पर है। बोले कहाँ पर? बोले काम्यावन में मेरे साथ में आओ। बोले हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के सारे तीर्थ को स्मरण करते ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, सबके सब वहीं पर प्रकट हो गए। और ये सारे तीर्थ को दर्शन करने के लिए आपको पता है पृथ्वी में कितना तीर्थ? बोले 6 अरब, बोले 600 करोड़ तीर्थ है पृथ्वी में। सारे ब्रजवासियों को कृष्ण ने काम्य वन में दर्शन कराया, लेकिन आप लोग ने 2-4 हजार 10 हजार दे दिया, लेकिन ये सारे तीर्थ भ्रमण करने के लिए करोड़ रुपया में भी ये सारे तीर्थ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वैष्णव लोगों ने आपको ऐसे ही सारे तीर्थ आपको दर्शन करा दिया। इसलिए नियम है, हम सारे तीर्थ में गए ना, देखना सारे तीर्थ में पंडा हमको कुछ ना कुछ प्रणाम दिया, दिया कि नहीं? महाराज जो बोले ना हमारे माधव महाराज, नहीं जब तक पंडा को प्रणाम नहीं दोगे तब तक तीर्थ आना निष्फल हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े पंडे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े भक्त है, इनको नियम है कथा के बाद में भी ये वैष्णव लोगों को भी कुछ ना कुछ देनी चाहिए। भूषवार चिंतो हमारे महाराज बोलते हैं यदि वृंदावन एकाका जेते ना ओखरे नी जावे, बोले पत्थर दान करो, गोरु दान करो, 10-20 हजार टका बेरे करो तो एक एक जगह है। अरे एरा अपना देर कत कष्ट करे दर्शन करा लो, नियम होलो एदेरे को किसी कुछ दिता है, बुझते पार्छन तो? एरा जे तो कष्ट करे दर्शन करा लो, किंतु हमारा सौभाग्यवान की सौभाग्यवान भक्ति विनोद ठाकुर बोलचेन गौर अमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरिवा हमी प्रणयी भक्त संगे। तीर्थ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो तीर्थ यात्रा की है, जो वैष्णव का आनुगत्य में हमने जो तीर्थ की है, हैं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे तीर्थ को आंखों में मत देखा करो, कानों में देखो। प्रभुपाद बोलते हैं चक्र मत देखे ना, कान दिए कथा सुना, सेखाना करे महिमा सुना सुनो। एजने आमादर परिक्रमा एटा विशेष महत्व की महत्व अपने देखे जात्री जाछे कृष्ण एखने ये करो, कृष्ण एखने चलो एखने देखो ताड़ाताड़ी, किंतु आमादर परिक्रमार एक विशेष महत्व की एटा हलो आमादर गुरुवर्गर विशेष महत्व। हमारा जेखने जेखने गए सेखने सेखने बसे सेखने का कथा हमारा सुने यही जिनिसट हलो विशेष महत्व हैं यही जिनिस। ये नारद तीन वरदान चीज छिले तुम्हें जेखने जेखने यही समस्त मधुर मधुर लीला कर छ, यदि वैष्णव दर आनुगत्य सेखने जाए सेखने बसे सेखानकार कथा सुने एवं सेखानकार धूलि यदि गाय लगाए तब की हवे हृदय जाते समस्त अनर्थ दूरीभूत हो जाए एवं सही लीला जाते तार हृदय मध्य प्रकाश है। एटा नारद तिनी कृष्ण का वरदान चीज चिले, नारद जी कृष्ण से ही वरदान मांगे थे, प्रभु आपने जहाँ जहाँ पर लीला की है वैष्णव का अनुगत्य में अगर वहाँ पर जा करके वहाँ पर कथा सुने वहाँ का धूल लगाए एक दिन हृदय जैसे पवित्र हो करके वहाँ की जो लीला हृदय में प्रकाश हो, तब भगवान कृष्ण उन्होंने तथास्तु दी, बोले तुमको ये वरदान देता हूँ। इसलिए हम लोग ने जो ये परिक्रमा की है ये परिक्रमा की विशेष विशेष महत्व है। इसलिए विशेष करके श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज इहार अल्पसंग। जे 5 प्रकार जे भक्ति कथा बोला होई छे वहाँ पर बताया, अगर 5 तरह का भक्ति से अगर एक भक्ति का अंग को थोड़ी कोई श्रद्धा पूर्वक करे तो बोले क्या होगा? बोले हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर हम विचार करें देखेंगे कि जो 5 अंग है भक्ति की, ये संपूर्ण रूप में सारे अंग हम लोगों ने पालन किया। नाम संकीर्तन देखना, साधारण जो परिक्रमा जाते हैं वो वही से चले गए, लेकिन हमारी जो परिक्रमा जाती हैं वैष्णव लोग कीर्तन करते करते जाते हैं, हर जगह पर बैठ करके वहाँ की महिमा कीर्तन होती हैं, और मंदिर में भी आकर क्या होता है यहाँ पर भी हरि कीर्तन होता है, नाम कीर्तन तो दिन भर यहाँ पर नाम कीर्तन चलता है, साधु संग कथा में भी साधु संग, मंदिर में भी आओ साधु संग, दिन भर साधु संग, साधु संग दिन भर, फिर मथुरा वास धाम वास पूरा के पूरा तो धाम वास आपको मिल रहा है धाम वास हैं। और श्रद्धा है श्रीमूर्ति सेवन, रोज ठाकुर की मंगला आरती, दोपहर आरती, शाम आरती हैं, दिन भर आरती दर्शन है,
और विशेष करके जो नाम संकीर्तन मथुरावास श्रीमूर्ति सदाय सेवन और भागवत श्रवण और इखान तो भागवत कथा हो छे। अतः ये पांचटी जे भक्ति अंग अपने विवेचना कर देखे ये पूरा के पूरा एखने हमारा पूरा के पूरा एखने पिए और डेढ़ मास पर्यंत गुरु वैष्णव दर अनुगत्य ये ब्रजमंडल परिक्रमा ना ये साधारण वस्तु नहीं, ये साधारण वस्तु ये ब्रजमंडल परिक्रमा साधारण वस्तु नहीं, बहु भाग्य हमारा कोटि कोटि जन्म पुण्य थे हमारा यही साधु संग पिए हमारा भाग्यवान और नरसिंह महाराज घटी देखा थे। नरसिंह महाराज जी हम इनके चरण में तो हम ये ऋणी रहेंगे क्योंकि श्री माधव महाराज तो मंदिर में सारी कथाओं को यहाँ बैठी करके हैं ये कथाओं को परिचालना करते थे, लेकिन जब जब बाहर परिक्रमा की किसने ये परिक्रमा को चलाए, श्री भक्तिवेदांत श्रीला नरसिंह महाराज इन्होंने ही बहुत अच्छे तरह से मैंने देखा है बहुत अच्छे तरह से सुष्ट रूप में सबको प्रसाद पाने के बाद महाराज प्रसाद पाए और सब लोग चले। हम तो गाड़ी में कभी छोटी गाड़ी में जाते थे, महाराज जब तक उन्होंने सबको नहीं बैठा दिया नरसिंह महाराज तब तक गाड़ी में नहीं बैठे, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा नरसिंह महाराज के लिए। इन्होंने बहुत अच्छे तरह से परिक्रमा को उन्होंने और सबको उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हमें जो अनुभूति किया है उन्होंने सबको अच्छे तरह से सम्मानित करते हुए उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने की। और यहाँ पर माधव महाराज भी यहाँ पर बैठ करके सब वैष्णव लोग को यहाँ पर जो उन्होंने की है वो साधारण बात नहीं है। हाँ परिक्रमा में थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ होता है, लेकिन गुरुदेव का समय जब हम आते थे देखते थे वहाँ तक कोई धर्मशाला था उस तरफ में, हम बाहर सोया करते थे याद है ना, और पायखाना में जो जाते थे बोतल में पानी लेकर पायखाना के लिए हम जाते थे बाहर में। हाँ उसमें बहुत बहुत कठिन था, लेकिन अभी तो इतना बड़ा गुरुदेव ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, थोड़ी बहुत जो इधर उधर हो जाती है ये सब चीज़ को भूल करके क्या करनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे जब अगली बार आओ ना एक 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 नहीं दस दस लोगों को लेकर के आओ, गुरुदेव के दस दस लोगों को उत्साहित करके लेकर के आना। इसलिए हम लोग जो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में जो कीर्तन किया और बन महाराज सिद्धार्थ महाराज गोविंद महाराज और हमारे नरसिंह महाराज माधव महाराज और जो नृसिंह महाराज ऋषिकेश महाराज इन लोगों ने जो आप लोगों को इतनी हरि कथा सुनाया है हम सबके सब वैष्णव के चरण में ऋणी हैं। ये वैष्णव लोग हम लोगों का आशीर्वाद दे कृपा करे जैसे हर साल हम लोग परिक्रमा में आ करके ये लाभ को उठा सके और भक्ति उन्मुख सुकृति का हम प्राप्त कर सके। सब वैष्णव लोग हमें यही आशीर्वाद दे। वंशा कल कृपा सुखा वैष्णव।